परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब गाइस, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक और नए वीडियो में। और सो गाइस, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि क्यों ना मुझे भी एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर टाइप का कुछ अच्छा सा एडिटिंग डिवाइस मिल जाता तो कितना मज़ा आ जाता, क्योंकि मैं अभी तक अपने सारे वीडियोज़ को अपने फ़ोन पर ही शूट करके अपने फ़ोन पर ही एडिट करता था और फिर इसी फ़ोन से मैं अपलोड भी करता था। मतलब इतना ज़्यादा हैवी टास्क होता था, इस फ़ोन को इतना बार चार्ज करना पड़ता था और इसकी बैटरी बैकअप भी अब जवाब देने लगी थी, पूरा का पूरा फ़ोन ही जवाब देने लगा था। ना इस पर आप पबजी में खेल पा रहा था, ना कुछ भी नहीं हो पा रहा था अच्छे से, बस वीडियो एडिटिंग करता था उसी में इसकी हवा टाइट हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि रिस्क नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि कैमरा लेने में मुझे बहुत टाइम लगेगा, अभी कैमरा बहुत महंगा आएगा, लगभग 50,000 आएगा, तो उतना इन्वेस्ट मैं अभी नहीं कर सकता था, क्योंकि कैमरा से बस मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकता था और उतने पैसे मेरे पास थे नहीं कि मैं एक कैमरा लूँ। तो मैंने सोचा कि अपने इस कैमरे को यानी कि अपने फ़ोन को बचाया जाए और एडिटिंग के लिए एक अच्छा सा डिवाइस लिया जाए, जिससे कि मैं अपने वीडियोस को एडिट कर सकूं और इस पर से थोड़ा इस पर से लोड हटे। सो गाइस, मैंने फाइनली ऑर्डर तो कर दिया था एक एसूस का वीवो बुक 14 और वो मेरे पास आ चुका है, मतलब 2-3 दिन पहले ही आया था, पर मैं वीडियो आज बना रहा हूं, मुझे मौका आज मिला है। ये रहा वो, मतलब गाइस ये बहुत ज़्यादा पतला, बहुत ज़्यादा थिन और बहुत ज़्यादा छोटा सा, एक अच्छा सा मतलब पावरफुल, छोटा बट पावरफुल लैपटॉप है एक, मत मुझे तो ये अपना वैल्यू फॉर मनी लगा। मैंने इसे ऑर्डर किया है 43,000 रुपीज़ में और हाँ, इसकी प्राइस अभी हो चुकी है 56,000 रुपीज़, तो मैंने एक अच्छा डील ब्रेक किया है। और इस पर मैं बता दूँ, ये देखने में जितना छोटा लग रहा है धोखे मत में मत आइएगा गाइस, ये उतना ही ज़्यादा पावरफुल है। इसमें मैं चलिए आप लोगों को इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस बताता हूँ। तो चलिए पहले धूप में से थोड़ा नीचे उतरते हैं और फिर आप लोगों से अपने रूम में मिलते हैं। सो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया होगा कि मैंने एक एडिटिंग डिवाइस ख़रीदा है, मैंने बेसिकली एक लैपटॉप ख़रीदा है, मैंने एक नोटबुक ख़रीदा है, एक छोटा सा थिन लैपटॉप मैंने लिया है। और गाइस, मैंने ये क्यों लिया है पहले मैं ये आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को छत पर बताया था कि मेरा फ़ोन अब जवाब देने लगा था, और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे सिनेमैटिक्स क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए आप लोगों को मेरे मैक्सिमम वीडियोस में सिनेमैटिक्स देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन फ़ोन पर सिनेमैटिक्स एडिट करना एक बहुत ज़्यादा हैवी टास्क होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, माथापच्ची होता है और उस टाइप का हमें आउटपुट भी नहीं मिलता है। तो मैंने सोचा है कि अगर क्यों ना मैं एक पीसी वाले एडिटिंग सॉफ्टवेयर पर काम करूँगा तो मेरा एडिटिंग स्किल अच्छा हो जाएगा, एडिटिंग और मेरे सिनेमैटिक्स भी अच्छी हो जाएगी। तो मेरे पास एक पीसी पड़ा हुआ है, वहाँ हॉल में मैं अभी अपने रूम में बैठा हूँ, उस पीसी में मैंने डाउनलोड किया एडोबी प्रीमियर प्रो और आप लोगों को पता है गाइस, लिटरली हग दिया। मेरा पीसी लगभग 2011 का है, मैंने उसे ख़रीदा था 2011 में, मेरे पापा ने ख़रीदा था उसे अपने LIC के टास्क के लिए, मेरे पापा कुछ LIC में काम करते हैं,
उसी के टास्क के लिए उन्होंने एक पीसी खरीदा था, और इसलिए भी खरीदा था कि हम लोग भी थोड़ा कंप्यूटर सीख जाए, क्योंकि आज से दस साल पहले किसी को कंप्यूटर आना बड़ी बात मानी जाती थी। अब तो ऐसा नहीं रहा, लेकिन हाँ, इसलिए उन्होंने एक पीसी खरीदा था। तो अब वो पीसी जवाब देने लगा है, 10 साल चला, और उसे क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उसे थोड़ा रिटायरमेंट देने की बात चली, तो फिर सोचा गया कि एक लैपटॉप ले ही लिया जाए घर के लिए। मैंने ये नहीं बोला किसी को कि मैं एडिटिंग के लिए लैपटॉप ले रहा हूँ, ये लैपटॉप है एजुकेशनल पर्पस एंड होम डोमेस्टिक पर्पस, होम यूज़, तो इसके लिए ये लैपटॉप लिया गया है। आप लोगों को इस लैपटॉप के बारे में पहले बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को ये आसूस की ब्रांडिंग दिख रही होगी, ये आसूस का वीवो बुक है। आप इसका साइज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये मेरे हथेली पे कितने आराम से टिका हुआ है, इसे मैं अपने हथेली पे रख के चला सकता हूँ, और ऐसे करके इस पे इसे यूज़ भी किया जा सकता है। सो गाइस, मैं इसका आपको चेहरा दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को नीचे में यहाँ पे इस हिंज के पास आपको एसूस वीवो बुक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको एसूस वीवो बुक 14 लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को शायद फ्लिप करके दिख रहा होगा, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है एर्गो लिफ्ट हिंज। हिंज यहाँ पे है क्या कि अगर जैसे कि आप ये लैपटॉप खोलते हैं तो ये ऐसा हो जाता है, ये यहाँ से थोड़ा सा उठ जाता है, तो इसके उठने से ये होता है कि टाइपिंग में थोड़ी आसानी मिलती है। जैसा कि हम लोगों ने कीबोर्ड के पीछे, आप लोगों ने भी ये ऑब्जर्व किया होगा कि कीबोर्ड के पीछे ऐसा क्लिप टाइप का होता है, जैसे कि हम लोग ओपन करने के बाद वो थोड़ा टिल्ट हो जाता है, तो वही चीज़ इसमें भी है, ऐसे हो जाता है। नैनो एज डिस्प्ले, डिस्प्ले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसे पावर ऑन करके, इसका पावर ऑन का टाइम देखिएगा कितना जल्दी हो जाएगा। पावर ऑन हो गया, पासवर्ड खुल गया। SSD स्टोरेज है तो इसलिए बहुत जल्दी खुल जाता है। 512 GB की SSD है इसमें, और प्रोसेसर आप लोग सोच रहे होंगे प्रोसेसर इसमें कौन सा है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते होंगे इसमें Ryzen 5 3500U का प्रोसेसर, और हाँ, रेडॉन वेगा 8 की ग्राफिक्स है, वेगा 8 ग्राफिक्स कार्ड जिसमें 2 GB का लगा हुआ है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड होता है जो कि Ryzen 5 के साथ ही आता है। और इसमें तीसरा स्पेसिफिकेशन में जो दिया हुआ था वो ये है कि इसमें USB टाइप सी पोर्ट भी आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो मैं पोर्ट्स की बात आप लोगों को बाद में बताऊंगा, पहले तो आँखों में चुभता है इसका ब्राइटनेस जब ज़्यादा होता है, लेकिन कैमरा पे पता नहीं चलेगा, तो मैं कैमरा के लिए आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए बेजल्स, देखिए बिल्कुल ना के बराबर है, नैनो एज बेजल्स इसीलिए इसमें लिखा हुआ है, नैनो एज डिस्प्ले। इसका बेजल्स बहुत ज़्यादा पतला है, और हाँ, ये ऐसा लैपटॉप है कि अगर आप लोग रियल लाइफ में इसे खोल कर देखेंगे तो आप लोग पूरी तरह से भौचक्का रह जाएंगे, मतलब मन करेगा इसको देखते रहे और देखते ही जाए, इतना ज़्यादा सुंदर देखने में लगता है। और हाँ, इसके जो बैकलिक कीबोर्ड है, ओ भाई साहब, इसे ऑन करने के बाद तो और भी ज़्यादा गजब का लगता है। कैमरा तो बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर रहा होगा, इसे आप लोगों को अपने आँखों से देखना पड़ेगा, अगर आप लोग अपने आँखों से देखते हैं तो इस लैपटॉप के आप पक्का दीवाने होने वाले हैं। सो गाइस, जितना छोटा ये लैपटॉप लगता है देखने में और जितना छोटा ये लैपटॉप है असलियत में, ये पावरफुल भी उतना ही ज़्यादा है। मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें Ryzen 5 और Vega 8 की ग्राफिक्स है, 8 GB रैम है, 8 GB रैम, परफॉर्मेंस वाइज लैपटॉप A1 ग्रेड। इस प्राइस रेंज में आपको ये कहीं नहीं मिलेगा, इस प्राइस रेंज में आपको मिलता ही क्या, i3 10th generation तक बस, अगर i5 मिल भी गया मुश्किल से 6 7 8th generation, बस इतना ही आप लोगों को i5 मिलेगा। और Ryzen 5 Vega 8 के साथ i5 10th generation से के लगभग में प्रोसेसर हो जाएगा, और ग्राफिक्स कार्ड तो उसमें मिलेगा ही नहीं, ग्राफिक्स कार्ड अगर अलग से लेंगे तो प्राइस 55-60 तक चले जाएगी। तो मैंने वीडियो एडिट किया, वीडियो अच्छा लगा मुझे, बट वो वाटरमार्क मुझे पच नहीं रहा था, तो मैंने उस वीडियो को अपलोड नहीं किया है। और हाँ, मैंने फिल्मोरा 9 का लाइसेंस ले लिया है, तो जिस कारण अब से वाटरमार्क नहीं आएगा और वीडियो एडिटिंग
नेक्स्ट लेवल होने वाली है। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आप लोगों से फिर कभी अगले व्लॉग में। अगर आप लोगों को कोई व्लॉग चाहिए, कोई भी अपडेट वगैरह चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा और रिप्लाई भी आप लोगों को ज़रूर दूँगा। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और खाते पीते रहिए, मस्त रहिए। तुमसे मिला दूं उसको बुला दूं सामने ला दूं, क्या मुझे दोगी जो तुमसे मिला दूं। जो भी मेरे पास था वो सब ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया।